जंतर मंतर पर भारतीय रेलवे के कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। आइए उन्हीं से सीधा बात करते हैं। मिश्रा जी, यहाँ पर रेलवे कर्मचारी इकट्ठा हैं, क्यों? आज रेलवे कर्मचारी नहीं, तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी भी जंतर मंतर पर आए हैं। वो सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि हमें नई पेंशन स्कीम जो है वो स्वीकार नहीं है, और सरकार से हमारी एक और एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। क्योंकि अब जो पुरानी पेंशन की जद में आने वाले लोग हैं, रिटायर हो रहे हैं, और हम महसूस कर रहे हैं कि लोको पायलट रिटायर हो रहा है, 56,000 रुपये उसकी बेसिक पे है और उसको 2,826 रुपये पेंशन में मिल रहे हैं। अभी एक महिला यहाँ पर बोल करके गई हैं कि हमें 30,000 रुपये से रिटायर हुए हैं, 16 साल की सर्विस करके रिटायर हुए और हमको 516 रुपये पेंशन मिल रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन तो आप जो है वो 5,000 रुपये देंगे, अटल पेंशन योजना में आप 5,000 रुपये देंगे, और जो अपनी सारी ज़िंदगी लगाएंगे जो है वो अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको आप जो है वो 3,000-4,000 और जो है वो 500-100 रुपये में ले जाना चाहते हैं, शायद इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने हम लोगों से बातचीत की है। हमने उस कमेटी से भी विनम्रता से कहा है कि सरकार इस बात को सोचने का काम करे कि क्या इतने कम पैसों में कोई सोशल सिक्योरिटी हो सकती है। तो हमारी इज्जत से खेलने का काम ना करे, घर और समाज में हमारी इज्जत को रहने दे, जो इज्जत हमको पेंशन ने दी थी उसको बहाल करे और पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करे। हमें आशा है कि सरकार हमारी बात को मानेगी, अगर नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। जो पिछला प्रदर्शन था वो रेलवे प्रीमाइसेज में प्रदर्शन हो रहा था, और यहाँ पर आप जंतर मंतर पर आ गए हैं, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है कि अगले महीने में संसद घेरने का प्लान है, सारे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। आज सिर्फ दिल्ली के लोग यहाँ पर हैं, और उस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग होंगे, और बम्बई से लेकर के और कलकत्ते तक के लोग यहाँ पर आएंगे। तो लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार जो है वो कुछ अच्छा फैसला ले, और माननीय मोदी जी के लिए तो अच्छा रहेगा कि 15 अगस्त को अगर वो लाल किले से इसका ऐलान करें तो ये उनके हित में भी होगा, उनकी पार्टी के हित में भी होगा, और हम सब तमाम कर्मचारियों के हित में भी होगा। सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो कांग्रेस की जो सरकार, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में कह रही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई पार्टी अगर आप लोगों को सपोर्ट करेगी तो आप उसके साथ जाएंगे? नहीं, अभी तक तो हमारा जो मुद्दा है, हमारे सारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। इसको राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस ने जरूर बनाया है, अपोजिशन की पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, और वो 8 राज्यों में इसको बहाल कर चुकी हैं। आने वाले समय में 3 राज्यों में और बहाल होने वाला है, तेलंगाना में होने वाला है, तमिलनाडु में होने वाला है, केरला में होने वाला है। तो चुनाव आते आते 12 राज्यों में पुरानी पेंशन हो जाएगी। हम समझते हैं कि ये अच्छा मौका है, अगर बीजेपी चाहती है कि लोग उसको सपोर्ट करें तो उसे इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए, वरना मजबूर होकर के कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसका साथ देना पड़ेगा। और जो साथी नारा लगा रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, उस दिशा में सबको जाना पड़ेगा। कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? हमारे साथ जो है वो सारे केंद्र सरकार के संगठन हैं जो NJCA से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में वो तमाम संगठन हैं, राज्य कर्मचारियों के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, शिक्षकों के, यूनिवर्सिटी टीचर्स के, प्राइमरी टीचर्स के, वो सारे लोग जुड़ रहे हैं। और आज 21 तारीख को सारे राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन हो रहे हैं इसी तरीके के। आने वाले समय में हमने फैसला तो किया था 21 जुलाई को प्रदर्शन करने का, लेकिन शायद पार्लियामेंट का सेशन विलंबित हो रहा है, तो हम करेंगे तभी जब पार्लियामेंट सेशन में होगी, तो हम उस समय पूरे सारे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रदर्शन करेंगे। और उस दिन हम खाली प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, आने वाले समय में सारे लोग मिलकर के भारत बंद का भी ऐलान करेंगे। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू कर दी जाती है तो कितने कर्मचारियों को फायदा होगा, कोई नंबर है आपके पास? अगर हम खाली केंद्र सरकार की बात करें तो 22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा उसका, और अगर हम राज्य कर्मचारियों को भी जोड़ लें तो कम से कम 1 करोड़ लोगों इससे लाभान्वित होंगे। मतलब सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा, सरकार ये कहती है? सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये उनकी बातें हैं जिन
जब हमसे बात हुई है नेशनल काउंसिल जेसीएम में, हमने समझाने का प्रयास किया है कि इससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। ये जो पैसा जो है वो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरमाएदारों की झोली में जा रहा है, NSDL जैसी संस्थाएं उसका जो है वो एक तरीके से गमन कर रही हैं। हम सिर्फ उसी पे रोक लगा लें, उसी से ही हमको पुरानी पेंशन मिल जाने वाली है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपको। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन दिल्ली।